नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय बाबा महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में बड़े बदलाव को महसूस करते हैं और आपने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार आपका 2022 किस प्रकार से पूरा का पूरा बर्बाद चला गया है। लेकिन अब आपको ज़्यादा तकलीफ़ों में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साल 2023 बड़ा ही खास और बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, ये अगले 24 घंटे का महाराशि फल है, जिसके बारे में आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी, आने वाले अगले 24 घंटे की समय अवधि में पूरे गली मोहल्ले में केवल आप ही का नाम गूंजेगा। और दोस्तों, ये सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। कोई भी बड़ी जानकारी को ना समझे, ये इतना बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खुशखबरी आपको ना कभी पहले मिली थी, ना कभी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने बहुत बुरी जिंदगी जी है, जिसमें आपको लोगों ने बहुत दुख दिया है और जिसमें आपको मेहनत का फल अच्छे से नहीं मिला है। आप लगातार मेहनत किया है, लेकिन दोस्तों उसका परिणाम जो आपको मिलना था वो नहीं मिला है। दोस्तों, आपने ऐसे भी बहुत दिन गुजारे हैं जिनमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी आपको उसकी भी सज़ा मिली है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ऐसे योग के निर्माण हो रहे हैं जिसके कारण दोस्तों आप बिना कुछ किए ही धनमान बनोगे। और दोस्तों, खबर सुन के किसी से आप नाचने लग जाओगे, क्योंकि दोस्तों ये समय आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको बड़ी ही लॉटरी मिलने वाली है और बड़ी सफलता मिलेगी। आज की वीडियो बड़ी ही खास है और सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। और दोस्तों, यह ग्रह गोचर का प्रभाव आपके व्यापार के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, नौकरी के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगार लोगों के लिए आपको कैसा असर देखने को मिलेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है तथा किन गलतियों से बचना होगा और किन सावधानियों को रखना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारी जानकारियां आपको बताने वाले हैं और भोले बाबा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी की भी कृपा आप सभी पर बरसने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि 6:56 पर एक ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो आपके लिए बड़ी ही आरामदायक, कंफर्टेबल यानी कि बड़ी ही सुखदायक रहने वाली है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने इसे बिल्कुल भी स्किप किया तो अच्छे फल की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। और दोस्तों, वो खास सावधानियां भी आपको पता होनी चाहिए जिनके बाद ही आपको लखपति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से आप लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपकी बड़ी ही तंगी दूर होगी और हर कार्य में सफलता आपका इंतज़ार करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ खास सावधानियाँ आपको रखनी है जो कि दोस्तों बड़ी ही खास रहने वाली है। दोस्तों, पर महादेव बैठे हैं, वह केवल और केवल आपकी नियत देखते हैं, इसलिए अपनी नियत साफ रखिए। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बता दें कि चंद्रमा धनु राशि से लेकर कर आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए दोस्तों आपको कुछ खुद पर काबू करने की आवश्यकता है। दूसरों के प्रति आपको थोड़ा सजेत रहने की आवश्यकता है। और दोस्तों, वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह लेना बेहद ही ज़रूरी है, उनकी सलाह के बिना कोई भी काम ना करें, काम बिगड़ सकता है। दोस्तों, आपके लिए ये काफ़ी बेहतर रहेगा। वहीं जो भी व्यापारी हैं, आज आपको किसी चीज़ को लेकर के या फिर दोस्तों किसी व्यापार की समस्या हो सकती है, इसके लिए आपको लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। छोटी सी चीज़ के लिए भी आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है या फिर छोटी सी चीज़ के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। यानी कि दोस्तों, सुई में धागा डालने के लिए कई बार हम मिनटों और घंटों लगा दे देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आप अपने जीवन काल में वे सब भी प्राप्त कर लेंगे जो आपने इस साल नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है। आपके जीवन में कोई भी समस्या आर्थिक नहीं है, आपके जीवन में समस्याएं पारिवारिक हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, ये महाराशि फल आपके ग्रह गोचर पर है। कुछ लोग इसे मजाक समझ लेते हैं। दोस्तों, अपने लोगों के साथ में काफ़ी खुश रहने की आवश्यकता है, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली है।
दोस्तों, नशीले पदार्थों का सेवन करके मनुष्य अपना नियंत्रण खो देता है, तो इसमें भी दोस्तों आपको थोड़ा सा साफ रहना है। आपके परिवार की जिम्मेदारी पूरी पूरी आपके ऊपर टिकी हुई है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं, थोड़ी कुछ सावधानियां हैं जो आपके पारिवारिक जीवन के लिए विशेष रूप से अच्छी रहेगी। और दोस्तों आप अच्छा नया काम शुरू कर सकते हैं। आज कोई ऐसा भोजन ना खाएं जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा समय लगा हुआ हो, यानी कि दोस्तों ऐसा काम ना करें जिससे आपको आर्थिक तंगी हो सके। योजनाओं में से दोस्तों कार्य क्षेत्र आपका अच्छा चल रहा है, नए काम में सभी दोस्तों से बातचीत करें और वही करें कि आज खरीदारी करने में मज़ा आ सकता है। तथा दोस्तों काम को नियंत्रण रखें। आप अपने जीवन काल में उस खास अवधि के लिए आपको अपना स्वभाव और काम बदलने की आवश्यकता है। आज आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप दूसरों के प्रति आप काफ़ी सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी ये गलती है कि वे आपको हल्के में लेने की कोशिश करते हैं। यही वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। यदि आपने परिवार में दोस्तों किसी से कोई वादा किया था, तो दोस्तों आज आपको उसे भी अवश्य पूरा करना होगा। और आपको अपने धन संबंधी समस्याओं पर आज वरिष्ठ लोगों से बातचीत करने की आवश्यकता है, जिसमें कि दोस्तों आपकी समस्याओं का समाधान भी आसानी से मिल जाएगा, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि शासन में सत्ता का भी आपको भरपूर लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों संतान से प्रेम से बात करनी होगी, नहीं तो दोस्तों आपको मैं बता दूं वे आपसे नाराज़ हो सकती है। और आपको दोस्तों कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी की बात माननी होगी, नहीं तो दोस्तों ये आपकी वृद्धि में बाधा बन सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था, तो दोस्तों वे भी आज आपको वापस मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं, भाग्य के भरोसे यदि आपने किसी काम को छोड़ा है तो समस्याएं हो सकती हैं। और दोस्तों माता आज आपको कोई अच्छे संबंधों से समाचार मिल सकता है, जिससे कि दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं आपके नौकरी परामर्श अवश्य लगाना होगा। हालांकि दोस्तों आप लोगों को जीवन साथी का सहयोग अवश्य ही मिलने से आपकी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी। और दोस्तों संतान को भी किसी नौकरी के मिलने से उन्हें घर से दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों उसमें आपको यहाँ रुकना नहीं पड़ेगा। और कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। परंतु दोस्तों आप अपने माता पिता के साथ में किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे कि उनको खुशी हो सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ कानूनी मामलों में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है और उस पर दोस्तों समय रहते ही ध्यान देना होगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों की किसी पुराने मित्रों से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है, जिसमें कि आपको पुराने गिले शिकवे नहीं रखने हैं। और इसके साथ ही दोस्तों संतान के विवाह में यदि कोई वादा आ रही थी, तो उसके लिए भी दोस्तों आपको अपने किसी परिवार से बातचीत करनी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों विदेशों से आयात निर्यात कर रहे लोगों के लिए दिन काफ़ी खुशनुमा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज किसी बड़ी डील को फाइनल करने कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप किसी से उधार ले रही हैं, तो दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको सुधरता और भरता में दोस्तों कुछ निर्भर रहने से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, नहीं तो बाद में आपको इसके लिए पछतावा हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आज का दिन आपके लिए सावधानी और सतर्कता बढ़ने वाला होगा। और दोस्तों आपको तरक्की तो मिलेगी ही, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही लोग आपकी किसी बात पर नाराज हो सकते हैं। और आज आपको वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी होगी दोस्तों, नहीं तो किसी दुर्घटना होने का भय सता रहा है। हालांकि दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको बता दूं धन प्राप्ति के मार्ग भी मिल रहे हैं। और दोस्तों आपकी किसी पुरानी लेन देन को आपको समय रहते ही उतारना होगा, नहीं तो दोस्तों आपसे वापस मांगने आ सकते हैं।
लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, किसी की कहा सुनी बातों पर भरोसा ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है, जिसके बाद में दोस्तों आप सभी को परेशानी का सामना करना पड़ सकेगा। और अन्य जातकों के लिए उत्तम विवाह के समय आ सकते हैं, जिसे परिवार के द्वारा भी तुरंत मंजूरी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इन 24 घंटे में आज के दिन कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वे आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि अगले 24 घंटे का राशिफल आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।